जय श्री कृष्णा बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। ऑनलाइन क्लास में आज हम इकाई और दहाई की जोड़ के बारे में अध्ययन करेंगे। इकाई दहाई की जोड़ भी है और शून्य जीरो के साथ कैसे जोड़ना है उन अंकों को, उसके बारे में भी आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, वंस मतलब इकाई, टेंस मतलब दहाई। इकाई का अंक है और दहाई का। इकाई को इकाई से जोड़ेंगे, वंस को वंस से जोड़ेंगे और टेंस को टेन से मतलब दहाई को दहाई के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, अब जीरो और जीरो जोड़ना है। अब जीरो का मतलब क्या होता है बच्चों? कुछ भी नहीं। जीरो का मतलब होता है इसका कोई मान नहीं है, इसकी कोई ये इसकी संख्या नहीं है, है ना। तो जीरो में जीरो जोड़ा तो कुछ भी नहीं आया। जीरो का मतलब ही क्या होता है? कुछ नहीं, है ना। तो ये हमने यहाँ जीरो लिख दिया। अब दो और एक, दो और एक कितना होगा? तीन। तो यहाँ हमने लिख दिया तीन। टू प्लस वन इक्वल थ्री। ऐसे ही इकाई का शून्य और शून्य, जीरो और जीरो क्या होगा? जीरो। अब फोर और थ्री, फोर प्लस थ्री कितना हो जाएगा? इक्वल सेवन। तो चार और तीन कितना हो जाएगा? सात। ऐसे ही जीरो और जीरो कितना हो गया? जीरो। पाँच और एक कितना हो गया? छः। फाइव प्लस वन सिक्स। पाँच और एक कितना हो गया? छः। अब ये देखिए, जीरो और जीरो जीरो, दो और तीन कितना होगा? पाँच। टू प्लस थ्री इक्वल फाइव। ये है जीरो और ये भी जीरो, तो हो गया जीरो। अब यहाँ है पाँच और यहाँ है तीन, तो कितना हो जाएगा? आठ। फाइव प्लस थ्री इक्वल एट। जीरो जीरो जीरो, चार प्लस पाँच कितना होगा? नौ। ये लिख दिया नौ। फोर प्लस फाइव इक्वल नाइन। जीरो और जीरो जीरो, पाँच और चार कितना होगा? नौ। ये नौ लिख दिया। फाइव प्लस फोर इक्वल नाइन। ये देखिए, जीरो और जीरो जीरो, क्योंकि जीरो का कोई मान नहीं होता, जीरो कोई संख्या है ही नहीं, है ना, इसमें कुछ भी नहीं जुड़ेगा। दो और छः कितना हो गया? आठ। टू प्लस सिक्स इक्वल एट। इसी प्रकार से सिक्स और टू क्या है? सिक्स, छः और दो कितना होगा? आठ। तो सिक्स प्लस टू इक्वल एट। अब यहाँ है दो प्लस पाँच प्लस दो कितना हो जाएगा? सात। तो फाइव प्लस टू इक्वल सेवन। फिर अगली संख्या है सेवन, सात और दो कितना हो जाएगा? नौ। तो यहाँ हमने लिख दिया नौ। सेवन प्लस टू इक्वल नाइन। फिर है तीन और पाँच, तीन और पाँच कितना होता है? आठ। ये लिख दिया हमने आठ। थ्री प्लस फाइव इक्वल एट। अगली संख्या है सेवन, सात और दो कितना होगा? सात इकाई का, हाँ, और दो इकाई का। सात और दो कितना हो जाएगा? नौ। और यहाँ तीन और चार कितना हो जाएगा? सात। तो सेवन प्लस टू इक्वल नाइन। थ्री प्लस फोर इक्वल सेवन। फिर है छः और दो कितना हो गया? छः और दो आठ। फिर है चार, पाँच और चार कितना हो गया? नौ। सिक्स प्लस टू इक्वल एट। फाइव प्लस फोर इक्वल नाइन। ऐसे ही एक और सात कितना होगा? आठ। वन प्लस सेवन इक्वल एट। एक में सात जोड़ने पर संख्या क्या बनेगी? आठ। ठीक है, फिर है छः में हमें क्या जोड़ना है? तीन। छः में तीन जोड़ेंगे तो क्या संख्या आ जाएगी? नौ। सिक्स प्लस थ्री इक्वल नाइन। फिर है दो में पाँच जोड़ना है, क्या करना है? दो में पाँच जोड़ना है, तो कितनी संख्या बन जाएगी? सात। तो टू प्लस फाइव इक्वल सेवन। फिर है एक और एक कितना हो जाएगा? दो। एक और एक दो। वन प्लस वन इक्वल टू। चार और पाँच कितना होगा बच्चों? नौ। एक और एक कितना हो जाएगा? दो। तो फोर प्लस फाइव इक्वल नाइन। और वन प्लस वन इक्वल टू। अगली संख्या है सिक्स। छः और एक कितना होगा? सात। छः और एक, छः में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा संख्या? सात। एक और एक कितना होगा? दो। एक में एक जोड़ेंगे तो संख्या क्या बनेगी? दो। तो सिक्स प्लस वन इक्वल सेवन। वन प्लस वन इक्वल टू। ऐसे ही एक में एक जोड़ेंगे तो संख्या क्या आएगी? दो। एक में हमने एक जोड़ा तो संख्या क्या आई? दो।
चार में एक जोड़ने पर संख्या क्या बन गई? पाँच। तो 1+1=2, 4+1=5। अगली संख्या है 5, चार में दो जोड़ना है, चार में क्या जोड़ना है? दो। तो संख्या क्या बन जाएगी? 6। अब 5 में 3 जोड़ेंगे तो संख्या क्या बनेगी? 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। तो 4+2=6, 5+3=8। फिर अगली संख्या है 2 और 5, 2 में 5 जोड़ना है तो क्या संख्या बन जाएगी? 7। अब 7 में 2 जोड़ेंगे तो क्या संख्या बन जाएगी? 9। तो 2+5=7, अब 7+2=9। फिर अगली संख्या है 3, 3 और 6, 3 में 6 जोड़ना है तो क्या संख्या बन जाएगी? 9, ठीक है। और 6 में 3 जोड़ेंगे तो तब भी संख्या बनेगी 9। तो 3+6=9 और 6+3=9, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये जोड़ें करनी है इकाई की, दहाई की, वंस और टेंस, ठीक है।